तुझको है ढूंढता। कैसी हो राधिका? वो सब छोड़ो, क्यों बुलाया ये बताओ। तुम उससे मिलने आई या एहसान है मुझे? हाथ छोड़ो मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है राधिका। बदनाम लड़की का हाथ पकड़ोगे तो खुद भी बदनाम हो जाओगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, और रिश्ते जिस्मानी नहीं रूहानी होते हैं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार था, और अब सम्मान भी बढ़ चुका है, क्योंकि जो तुमने किया वो आज तक गांव में किसी भी लड़की ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। या तो वो खुद टूट गई या इस खोखले समाज ने उन्हें तोड़ डाला। स्कूल जाने का जो इरादा तुमने दिखाया है उसको कायम रखना। इस सफर में तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, पर मैं हरदम तुम्हारे साथ रहूँगा। और रही बात प्यार की, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर चाहता रहूंगा। मुझे अपने प्यार पर और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। कुछ तो बोलो राधिका। हाँ तुझको मैं चाहूं बेपना, भूल कर सारे रस्मों रिवाज। करना है कुछ ऐसा गुना जिसकी तू बन जाए सजा। मैडम मेरी है। अच्छा लिखती हो, मन लगा कि पढ़ा करो।
ये कौन सा भाई? ये तो कोई नया हिसाब लग गया। हिसाब बोले ना वो, पर समझ में पूरा रहा। अरे मैडम मैडम भी पढ़ा दे। टिंकू यार ये चश्मू सा कौन है? अभी कौन है चश्मू सा? मुझे तो लग गया चक्कर में लग रहा। सही कह रहा है भाई, इससे पहले कोई इसे पटावे क्यों ना हम अपने ही चक्कर चला लें। चलो चल रहे अभी तक। क्या लग रहा भाई जी इलेक्शन में? इस बार तो स्वर्णपाल की जीत लग रही जी। स्वर्णपाल जी? अबानी आने की कमरपाल जीतेगा? हाँ। नहीं तो वोट भी नहीं मिले तो पहले। नहीं भाई जी नहीं, इस बार स्वर्णपाल की जीत है। हाँ जीत है, कुछ उसकी हवा भी चल रही। पूरी हवा चल रही भाई। पूरी हवा चल रही। हवा चल रही पछवा चल रही होगी। अरे तेरे फोन में क्या घुस गया? घड़ी घड़ी से देख रहा था। कुछ नहीं, अभी छोरा नहीं आया स्कूल से। कहीं नई फिल्म तो नहीं डरवा ली तुमने? ना भाई, अभी छोरा स्कूल से आया नहीं, बहुत देर हो रही। अच्छा फिकर लग रही। हाँ, हाँ। कोई नहीं भाई, बच्चा आ जाएगा, कोई दिक्कत। अरे कहाँ था बेटा इतनी देर? पापा पापा, अब हमारे स्कूल में ना एक नई मैडम आई है, और अब वो ना हमें बहुत अच्छा पढ़ा रही है, और अब से हमारी छुट्टी ना लेट हो गई थी। चलो भाई इधर आ बेटा इधर आ। अरे चलो कोई तो गांव में आया दो बच्चों का भविष्य बना सके है, नहीं तो पहले तो बच्चे स्कूल में जाते और खाना खा जाते थे है। चल भाई तेरी पढ़ाई बढ़िया होगी है। हाँ मैडम का ध्यान रखियो तू भी। कहीं ढल ना जाए रात, टूट ना जाए सपने, तावड़ा तावड़ा चल। मैं क्या भाग्यवान, तावड़ी तैयार कर दे इसने भी। मैं छोड़ा तो चलूंगा इसने भी स्कूल। कदी पहले तो मैं दिखा नहीं, आज घनी फिक्र हो रही। अरे आज ऊंट की करा लिया पाड़ तले। अरे ऐसा वैसा कुछ ना है, मैंने भी तो अंक को जाना है, इसने भी छोड़ता चलूंगा स्कूल। बच्चों की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी से। अच्छा कभी पहले तो ना दिखी जिम्मेदारी। अरे फराज आज घने याद आ रहे। अरे देर ते सही, अपनी जिम्मेदारी को एहसास तो हुआ। सारे दिन यूं ही पकर पकर पकर। चल बेटे चल तैयार होकर चल मेरे साथ, तेरी माँ होनी बावड़ी पूछ, ठीक है? पार्टिंग को टाइम लग लिया काम पे। हाँ भाई, अरे हमारे गांव में चीज ही ऐसी आ गई है, तो पूरा गांव को काम पर लगा दिया। बस ठीक है, मैं फिर ठीक बोल रहा था, चीज बड़ी मस्त है। मका चीज बड़ी है मस्त मस्त। चीज बड़ी है मस्त मस्त, क्या बात है पंकज। बेटा कुछ जा गया अपनी मैडम को नमन। भैया कहाँ चल दिए निकम्मे गोले? आज से पहले तो दिखा नहीं ना यहाँ कभी। वे गांव में एक नई मैडम आई, ये उसे ही दिखन जावे रोज रोज अपने लोंडो को छोड़ने के बहाने। रे मार कई दम लेगी क्या? अरे यूं ना देखा कर, बदन में जहर सा गोले। ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा। ये कमीने कभी नहीं सुधरेंगे, रहने देना तू, इनका तो यही काम है। अरे छोरी कुछ परेशान से दिखे है? वो पिताजी राज और उसके दोस्त ना सो जाते हुए मुझे और इतनी को छेड़ रहे थे। जब तुझे पता था वहाँ लंबे खड़े तो उधर जाने की जरूरत क्या थी? पर हम तो अपने रास्ते से जा रहे थे ना। जा रहे थे, चल मैं देख लूंगा। ले कर दे दूध। अरे यार कल ना माँ ने बहुत सारे काम बता दिए थे, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, इसलिए फिर मैं आ भी नहीं पाई। यार तो जब भी ना आए ना मुझे पहले बता दिया कर, फिर मैं भी नहीं आऊंगी। अकेले जाने में बहुत अजीब सा लगता है।
ही खराब। तो अपना माल देख ले। ओ भाई ये ठीक ना हो रहा। मेहनत करे हम फल खाए कोई और। राम लो भाई से। और भाई राजवीर ठीक है? और बेटे सानू ठीक है? बढ़िया चाचा बैठ बैठ भाई बैठ। और चाचा और ठीक हो क्या? अरे बेटे ठीक है ठीक है बढ़िया। और किस बात पे चर्चा चल रही? कुछ नहीं गांव की बातें चल रही थी, खेती बाड़ी की। अरे हमारे गांव में एक नई मैडम आई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हां अच्छा। और मेरी घरवाली तो ये बता रही थी कि जब से वो मैडम आई ना हमारे बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं। अरे भाई हमारे गांव में ऐसी ही मैडम की जरूरत थी। और जी सब बढ़िया? सब बढ़िया जी। चलो ठीक है। अच्छा भाई राम राम। अरे लड़की जवान हो रही तेरी, हाथ पहले क्यों नहीं करता इसके? अरे 14 की तो हो गई हो, अब कतलो भी आवेगा इसे है? अरे लड़की तो प्राधान हो गए, हाथ पेड़े कर दूं? अरे बदनाम छोरी से कौन शादी करेगा? अरे है गांव में कोई छोरा जो मेरी छोरी से शादी कर ले? ऐसा कुछ ना हुआ इसके साथ कि उसका ब्याह ना हो सके। अरे लड़की तो देख होवे पराया धन, ये अपने घर चली जाएगी पर हमें गांव में रहना साथ साथ। और फिर सजा के तौर पे ये लड़के सारे छोरे जितने भी हैं ये तेरे पैर पकड़ के माफी मांगेंगे और 10-10 उठक बैठक लगावेंगे। ये क्या बात हुई सरपंच जी? अब वो लमड़ी तो बिचारी रह गई नहीं बताओ, अब कम से कम इन छोरों से उसे 50,000 रुपये जुर्माना तो दिलवाओ ताकि वो उसका ब्याह भुआ कर ले कोई जाके। अरे चुप हो जा बिरजू, बाला की तो है फांसी देवेगा कहना है, यूं ही रखी 50,000 की रकम। अरे चुप हो जा बिरजू, है पता सता है नहीं तुझे किसी बात का? अरे 50,000 तो जब लड़की के साथ कुछ जावे तब नहीं मिलता, और तेरी लड़की के साथ तो कुछ हुआ भी ना है। धन्य हो सरपंच जी, बहुत हुई आपकी पंचायत। चल रही छोरी के बैठना। सोना कोई समाधान नहीं है राधिका,
इंसाफ मैं दिलाऊंगी तुझे। शांति रह, शांति रह, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी, आई प्रॉमिस। कोई इंसाफ नहीं मिलेगा मैडम। कुछ दिन पहले इमली के साथ भी ऐसे ही हुआ था, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर गांव के लोग सही वक्त पर ना पहुंचते तो मैं तो आपके सामने ही ना होती। यहाँ के लड़कों का यही हाल है, नशा करना, आवारा घूमना, लड़कियां छेड़ना, इनके लिए तो बिल्कुल आम बात है। पर मेरा क्या कसूर था? तुम्हारा कोई कसूर नहीं था राधिका। मैं एक लड़की हूँ, यही मेरा गुनाह है। समाज में लड़की होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। क्या कोई भी इंसान किसी की जिंदगी के साथ कैसे भी खिलवाड़ कर सकता है? आज के बाद इस गांव में इन जिस्म के भूखे इंसानों को कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। एंड आई प्रॉमिस, इस गांव में दोबारा कोई इमली नहीं होगी। तू बस हिम्मत मत हार और कल से स्कूल आना शुरू कर दे। किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी को रुकने और छुपने मत देना इन्हें। फिर कल स्कूल मिले हम। अरे हम में क्या बुराई है? ओहो गांव में हम भी तो जवान हैं। बड़ी हंसी आ रही है। अरे खून में इतनी गर्मी है तो सड़क पर जाकर लड़ो ना। घर में माँ बहन नहीं है, उनके साथ होते तब क्या करते? बोलो। बोलती बंद हो गई। मुझे किसी भी तरह करके एक बार राधिका से मिला दो, प्लीज हेल्प मी। हाँ तुझको मैं चाहूं बेपना। मुझे माफ कर देना, मैं चाहकर भी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं कह पाऊंगी। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा खोया हुआ सम्मान, जिसे वापस पाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। मुझे अपने प्यार पर और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है।